जी, ये गियर मैंने बहुत बार काम कराया है। तकरीबन इस गियर का बोल रहे थे कि नया गियर डालो, मैंने पूछा तो ये 35 से 40 हज़ार रुपये का मिल रहा अब मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें यहाँ सर, मैं आपको वजह दिखाता हूँ। जब मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निसार खान, आप देख रहे हैं कार टफ टीवी। अच्छा नाज़रीन, ये सुजुकी मारुति 800 सुजुकी मेहरान का गियर हमने खोला हुआ है। मैनुअल गियर है ये मैनुअल गियर है। बाज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, उनका अलग सिस्टम है, मैनुअल गियर का अलग सिस्टम है। इस गियर के बार बार ये इसका गियर फंस जाता था, यानी कि इसका जो दूसरा गियर था, सेकंड गियर था, वो फंस जाता था। अब गियर फंसने की क्या वजह थी? इस गियर के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा खर्चा कर दिया, लेकिन ये फॉल्ट फिर भी दूर नहीं हो सका। बहुत सारे मैकेनिकों के पास गए, बहुत मरतबे इन्होंने गियर इसके ये नीचे फोक्स वगैरह भी इन्होंने चेंज किए, सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, लेकिन इसका ये गियर फंसने वाली बात ख़त्म नहीं हुई। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये फोक्स सारे न्यू डालने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी का गियर फंस जाता हो, रिवर्स गियर लगाते वक्त या कोई भी गियर लगाते वक्त आपका गियर फंस जाता हो, यानी कि वापस ना निकल रहा हो, उसमें गाड़ी में फॉल्ट क्या है, इनके भी बात भी मैं करवाता हूँ आपसे। इनका कितना खर्चा हुआ है इसके ऊपर, गियर के ऊपर कहाँ कहाँ से इन्होंने काम करवाया है, लेकिन ये फॉल्ट क्या था, फॉल्ट भी मैं आपको इसमें अंदर दिखाता हूँ कि मैंने अभी इसको खोला है, इसका फॉल्ट ट्रेस किया है। वीडियो को अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, तो दोस्तों के साथ जाके मालूम है उनके भी इलम हो सके तो गियर के अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं, तो इनसे भी अभी बात करवाता हूँ मैं, फॉल्ट भी आपको बताता हूँ। आई जी, इनसे ज़रा बात करवा दें, इनके क्या कहाँ कहाँ काम करवाया और कितना नुकसान हुआ गियर के ऊपर। जी, ये गियर मैंने बहुत बार काम कराया, तकरीबन इस गियर का बोल रहे थे कि नया गियर डालो, मैंने पूछा तो ये 35 से 40 हज़ार रुपये का मिल रहा था। तो अभी मुझे ये मैकेनिक मिला है एक अठ मकाम नील में, उसने काम किया तो अभी देखा तो उसकी गोली टूटी हुई है, पता नहीं क्या मसला है। इन्होंने बोला कि कभी इंशाल्लाह, ये बोलते हैं कभी नहीं फंसेगा। काम में बहुत करा लिया, इसका काम पिंडी का करा लिया, मुजहरबाद करा लिया, अठ मकाम कोई मिस्त्री नहीं छोड़ा इसका, जिसका काम किया। आज मिस्त्री मिले साखे जी, इसका गैर कदम ना फंसी हो, वो हमारी जिम्मेदारी है जानी। अब मैं आपको वजह बताता हूँ, देखें यहाँ सर, मैं आपको वजह दिखाता हूँ। जब मैंने गियर को खोला, इसके जो फोक्स हैं ये कभी कोई नहीं खोलता, ठीक है, ये बाहर कोई नहीं निकालता, पिन ये मैंने सारी बाहर निकाल दिए। तो मैं इसके ऊपर अभी ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद इसको मैं जोड़ने की एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, देखें तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इनको कैसे लगाया जाता है। तो ये इसकी ये चीज़ जो होती है ना, पिन होती है, काटर होती है ये वाली, ये देखें ये टूटी हुई थी, और जिसका काम होता है ये गियर डबल हो जाता था, दो गियर लग जाते थे, जिस वजह से ये गियर एक फंस जाता था फिर। तो ये देखें ये टूटी हुई निकली है, ये फॉल्ट था। तो ये इसका जो फोक्स है इसके अंदर होती है ये पिन यहाँ पर, तो जब ये टूट जाती है तो गियर डबल हो जाते हैं। या अगर कोई मैकेनिक हज़रात खोल दे वापस ये पिन ना डाले तो उसके गियर डबल होने लग जाएंगे, दो गियर लग जाएंगे, गाड़ी के गियर फंसने लग जाएंगे, ऐसा कई बार हुआ होगा भी। लेकिन चलें मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ अभी, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी, तो चलें इधर तक ये मालूम थी, मालूम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे इसकी मैं वीडियो बनाता हूँ जोड़ने की, क्योंकि वो वीडियो लंबी होगी, तो आप वो वीडियो देख कर इसको जोड़ सकते हैं कि जोड़ेंगे कैसे। उसमें हम बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिखाएँगे कि कैसे जुड़ता है ये।